नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Facebook में कोई फ्रेंड आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और आप उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देते हैं और आपका दोस्त काफ़ी दिनों के बाद बोलता है कि आप हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किए, तो कैसे जानेंगे कि हम किन किन फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए ओपन करते हैं अपने फेसबुक एप्स को। दोस्तों फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल किए हुए फ्रेंड की डिटेल को जानने के लिए यहाँ पे मैं इस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपने कुछ दोस्तों को मैं रिमूव करता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे कुछ दोस्तों ने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। और सपोज दैट ये फ्रेंड हमें कुछ दिन बाद कहता है कि तुमने हमारा फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो कैसे जानेंगे कि हम किस फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल किए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी आपके सामने मैं दो फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल किया हूँ और इसका डिटेल जानने के लिए यहाँ से आते हैं बैक और आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन लाइन बना हुआ है, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होके एक ऑप्शन खुलता है सेटिंग्स का, यहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ है, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है एक्टिविटी लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी लॉग, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एक्टिविटी लॉग पे। अब एक्टिविटी लॉग पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपकी फेसबुक की सारी एक्टिविटीज खुल जाती है, लेकिन हमें जानना है कि हम किन फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल किए हैं। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे फिल्टर्स पे। फिल्टर्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कैटेगरीज और यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा योर कनेक्शंस, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा योर कनेक्शंस पे। अब यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा रिसीव फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 6 सितंबर को अभी दो फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल किया हूँ, तो यहाँ पे उसका डिटेल हमें मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोनू मेहता डिलीटेड पीयूष कुमार एज फ्रेंड रिक्वेस्ट और यहाँ पे सोनू मेहता डिलीटेड धर्मेंद्र कुमार एज फ्रेंड रिक्वेस्टेड। मैं यहाँ पे 6 सितंबर को दो फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट किया हूँ। इसके बाद यहाँ पे 5 सितंबर की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से आप जितनी पुराने डिटेल को खोजेंगे वो सभी डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप 8 अक्टूबर 2017 को देख रहे हैं, उससे पहले की भी आपकी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इन सभी फ्रेंड रिक्वेस्ट को फिर से मैं फ्रेंड बनाना चाहता हूं, अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं, तो आप कमेंट करें, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।